ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज सिल्क, सिल्क क्या है या रेशम क्या है, ठीक है। ये मॉथ और बॉम्बैक्स मोरई कैटरपिलर की सिल्क ग्रंथियों से, जो इसकी लार ग्रंथियां होती हैं, सिल्क ग्रंथियां जो होती हैं, उनसे निकलने वाला एक पेस्ट होता है, ठीक है। इसमें 75% ये पानी में अघुलनशील होता है और प्रोटीन 25% पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। इसका फाइलम है या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेप्टोडेरा, जीनस बॉम्बैक्स और स्पीसीज होती है मोरे। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए सिल्कवर्म के प्रकार। सिल्कवर्म जो होता है, पहला देखिए तसर सिल्क, दूसरा मूंगा सिल्क, तीसरा एरी सिल्क, चौथा ओक सिल्क और पांचवा जायट सिल्क, ठीक है। अब देखिए तसर सिल्क जो है कुल, ये सिल्क किस कुल के आते हैं, सेटर नाइटी कुल का, ठीक है। तो तसर सिल्क जो होता है बेर में, अंजीर में, ओक में पाया जाता है। ये किस रंग का होता है, भूरे रंग का रेशम होता है। कीट का नाम होता है एंथीरिया रोफिया, तसर सिल्क के कीट का नाम होता है एंथीरिया रोफिया। दूसरा हो गया मूंगा सिल्क, कीट का नाम होता है एंथीरिया असामा, जो मूंगा होता है इसके कीट का नाम होता है एंथीरिया असामा। ये सिल्मोना तथा मैकुली की पत्तियों को खाता है, ठीक है। इसके बाद एरी, एरी सिल्क जो होता है इसके कीट का नाम है अटैकस रिसीनी, अटैकस रिसीनी, तथा ये बुनाई के काम बताता है, मतलब इसका क्या बॉल नहीं बनाई जा सकती या रिंग नहीं बनाई जा सकती इसका धागे के रूप में, इसको केवल बुनाई के रूप में उपयोग करते हैं। तो ओक सिल्क, ओक सिल्क को एंथीरिया परनायल कहते हैं। ओक सिल्क को क्या कहते हैं, एंथीरिया परनायल। ये जापान और चीन में पाया जाता है। जायट, इसको